हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने 5EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का अपडेट वीडियो डाला था अपने चैनल पे, जहां हमने पावर ऑफ स्टॉक्स की 5EMA वाली स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी में बैक टेस्टिंग किया था अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। सो इन दिस वीडियो वी विल सी अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू अनीश सिंह ठाकुर फ्रॉम बूमिंग बुल्स, हु हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 905K सब्सक्राइबर्स। आप उनके चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारे भी जल्दी 3.5K होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है, कर दो यार सब्सक्राइब। टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर स्ट्रेटजी, ADX प्लस सुपर ट्रेंड प्लस फिबोनाची पिवट पॉइंट्स। स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय अनीश सिंह ठाकुर फ्रॉम बूमिंग बुल्स। स्क्रीन पे आपको ये वीडियो दिख रहा होगा। ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटजी है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम ऐसे इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी को फ्यूचर्स में टेस्ट करेंगे। हमने इनका ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी अपने चैनल पे बैक टेस्टिंग किया हुआ है, VWAP प्लस पिवट प्लस स्टोकेस्टिक RSI वाली स्ट्रेटजी। रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे थे, तो चलिए देखते हैं ये स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम ADX प्लस सुपर ट्रेंड प्लस फिप पिवट पॉइंट स्ट्रेटजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी में, और इससे हमको इसका असली विन रेट पता चलेगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे फर्स्ट आपको ट्रेडिंग व्यू खोलना है, यहाँ पर ऊपर सर्च करना है बैंक निफ्टी, और ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स कर देने का, इसके बाद हम चार्ट पे ADX ऐड करेंगे। अभी सेटिंग्स में जाके टाइम फ्रेम को यहाँ पर 15 मिनट्स कर देंगे, और जो इंडिकेटर है उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करेंगे विद, और इसको डबल क्लिक करेंगे और कोऑर्डिनेट्स को 20 कर देंगे। अब इसके बाद हम पिवट पॉइंट्स ऐड करेंगे। सब इंडिकेटर्स में जाके पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड सर्च करो। अब सेटिंग्स में टाइप को चेंज करके फिबोनाची कर देंगे और ओके कर देंगे। नाउ लेट्स ऐड द सुपर ट्रेंड टू द चार्ट। यू कैन यूज एनी सुपर ट्रेंड, बट इन दिस वीडियो ही हैज रेकमेंडेड दिस वन, सो वी विल ऐड दिस वन। दैट्स आवर सेटअप। चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं। सबसे पहला, ADX शुड बी अबाउट 20। ये जो नीचे जो है ADX है वो 20 के ऊपर होना चाहिए। अभी इसमें आपको एक चीज नोट करना है, लाइव मार्केट में ये ADX जो है वो हर 15 मिनट के इंटरवल में अपडेट होता है। सो बेसिकली अगर समझो कि अभी टाइम 9:25 है, तो आपको सिर्फ 9:15 का वैल्यू दिखेगा ADX पे, आपको नेक्स्ट ADX का वैल्यू सीधा 9:30 पे ही दिखेगा। तो जब स्ट्रेटजी आप कर रहे हो तब आपको 9:15 का ही लेना है ADX। तो हम भी यहाँ पर बैक टेस्टिंग जब करेंगे तो 9:15, अगर 9:25 का टाइम है तो 9:15 में जो ADX का वैल्यू वही कंसिडर करेंगे। इसके बाद आपका सुपर ट्रेंड शुड बी, और फिर कैंडल शुड क्लोज अबाउट पिवट। नाउ एंट्री विल बी एट द क्लोज ऑफ द एंट्री कैंडल। स्टॉप लॉस कैन बी इधर प्रीवियस स्विंग लो और प्रीवियस पिवट और मैक्स 150 पॉइंट। लेट्स बी क्लियर, आप मैक्सिमम 150 पॉइंट ही लूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, प्रीवियस स्विंग लो नहीं है ना कोई पिवट है, आपको मैक्स 150 पॉइंट रख देने का है, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अभी वीडियोज में उन्होंने कैसा किया है, कभी कभी सिंगल पिवट लिया है, कभी कभी 2 पिवट्स लिया है। अभी जितना हमने वीडियो देखा है, हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने वाले, इसलिए हमने इस स्ट्रेटजी में आपको टारगेट 2 पिवट्स रखना है। अगर कोई केस में आपको ऊपर पिवट्स ही नहीं है तो आपको 1.5 टाइम्स रिस्क रिवॉर्ड रखना है, और ये स्ट्रेटजी में आपको मिनिमम 1.5 टाइम्स रिस्क रिवॉर्ड रखना ही है। लेट से आपको 2 पिवट्स का टारगेट मिला बट रिस्क रिवॉर्ड उसमें 1.5 से कम है, तो उस केस में भी आपका टारगेट 1.5 रिस्क रिवॉर्ड ही होगा। और इस स्ट्रेटजी में हम स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करेंगे। हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, उन्होंने जो किया है उससे हल्का सा फर्क किया, जिससे हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट मिले हैं। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है। कब? जब प्राइस आपके एंट्री और फर्स्ट पिवट के बीच में आ जाएगा। अब इसके बाद अगर जब समझो कि आपका प्राइस आपका फर्स्ट पिवट को क्रॉस किया, तो आपको अपने स्टॉप लॉस को एंट्री और फर्स्ट पिवट के बीच में ला देने का है। अब इसके बाद जब भी आपका प्राइस आपके फर्स्ट पिवट और सेकंड पिवट के बीच में आ जाएगा, तो आपको स्टॉप लॉस को आपको फर्स्ट पिवट के ठीक नीचे रख देने का है। और जैसे ही आपका सेकंड पिवट हिट हुआ, अपने अपना टारगेट क्लोज कर दिया। आई होप ये क्लियर है। तो चलिए रूल्स फॉर सेलर एंट्री देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ADX शुड बी अबाउट 20। हाँ, अबाउट 20, ओके। ADX बेसिकली ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है, इसमें बिलो 20 मत अज्यूम करना। ADX शुड बी अबाउट 20 फॉर बोथ द केसेस। फिर सुपर ट्रेंड शुड बी रेड, और आपको ये सेल सिग्नल दे रहा होगा। इसके बाद आपका कैंडल शुड क्लोज बिलो अ पिवट। एंट्री विल बी एट द क्लोज ऑफ द एंट्री कैंडल। स्टॉप लॉस वुड बी ईदर प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस पिवट और मैक्स 150 पॉइंट। लेट्स बी क्लियर, आप मैक्स 150 पॉइंट ही लूज कर सकते इसमें भी, ओके। और आपका टारगेट रहेगा 2 पिवट्स। इसमें भी आपको मिनिमम 1.5 टाइम्स रिस्क रिवॉर्ड रखना ही है,
मिनिमम, और अगर आपके ऊपर कोई पिवट नहीं रहेगा तो आपको 1.5 टाइम्स रिस्क रिवॉर्ड आपका टारगेट रहेगा। और अगर दोनों पिवट्स हिट हो रहे हैं टारगेट में बट फिर भी 1.5 नहीं हो रहा है तो आपके लिए टारगेट 1.5 ही रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के भी रूल सेम है, यू शुड मूव द स्टॉप लॉस टू कॉस्ट व्हेन द प्राइस मूव्स बिटवीन एंट्री एंड फर्स्ट पिवट। व्हेन प्राइस क्रॉसेस द फर्स्ट पिवट यू हैव टू मूव द स्टॉप लॉस टू द मिडल, दैट इज बिटवीन फर्स्ट पिवट एंड द एंट्री प्राइस। एंड व्हेन द प्राइस इज between first pivot and second pivot you have to move your stop loss just below the first pivot, and when the price hits the second pivot you have to close the trade. इससे ज्यादा लालच नहीं करना है, उधर ही ट्रेड आपका बंद कर दीजिए। चलिए, आई होप स्ट्रेटेजी क्लियर है सबको। आप उनका वीडियोस भी जरूर देखिए आपको स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है तो इस स्ट्रेटेजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट देखते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। सो चलिए रिजल्ट देखते हैं। So the test is over. As you can see, total number of trade was 100, out of which 46 was win and 54 was loss. So total win rate is 46%. So total gain in account was 109.74%, and max drawdown is -9.67%. Total win in a row was 7 and total lose in a row was 8. Total duration of the test was 3.55 months, that is 0.3 years. So jo bhi humne modification kiya tha, that worked absolutely perfect. हमने टारगेट टू पिवट्स रखा था और स्टॉप लॉस हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था और उसमें मॉडिफिकेशन किया था। इससे क्या हुआ, हमारे लॉसेस बहुत कम हो गए, ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉस्ट टू कॉस्ट में ही हम निकले अगर जो लॉसेस वाले पार्ट्स थे, और टारगेट हमने बहुत बड़े बड़े लिए हैं। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एवरेज रिस्क पर रिवॉर्ड इज 2.92%, 109.74% इज 2x मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम आवर इनिशियल कैपिटल, दैट इज रियली इंप्रेसिव। कूडोस टू अनिश सिंह ठाकुर फॉर शेयरिंग सच स्ट्रेटजी, ये भी हमारे बैंक निफ्टी के लिस्ट में टॉप में आ जाएगा। So I'll add this strategy in the Google Sheet, link will be in the description, and this takes the first position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification, and do like the video and share the video. Agar aap humko support karna chahte ho to UPI ID aapki screen pe hoga, please comment mein aapki feedback dijiye, aur kaun si strategy aap chahte ki hum backtest kare apne future videos mein ye bhi zarur batana. Aap hamare channel ki playlist dekh sakte ho aur dusre strategies ke videos bhi dekh sakte ho. All the social media links will be in the description. Please follow us and show your support. More awesome contents are on the way. So see you next time.